की हाल है? की हाल साडा? बढ़िया चंगा। वैसे कायदे से तो मुझे इस सीट पे सोना था, लेकिन मैंने रात बिताई है यहाँ पे। समझ रहे हो मेरी बात भाई साहब? लेकिन मुझे एक बार तो लगा था कि यार इतनी थकान हो रही है और नींद आ नहीं रही है, क्योंकि सीट पे मुझे नहीं नींद आ रही थी। पता नहीं क्यों, लोगों को तो आ जाती है बट मुझे नहीं आ रही थी। तो मुझे लगा कि कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा, नहीं तो अगर बीमार हो गए, क्योंकि ये लोग टेम्परेचर वेम्परेचर भी रैंडमली लेते हैं। और मेरे को देख के, मेरी शक्ल देख के बोल देते भाई आ जा, तू ही आ जा, समझ रहे? तो अगर टेम्परेचर वेम्परेचर ज़्यादा निकला तो लेंटर लग जाएंगे, समझ रहे? तो उस चक्कर में मैंने कहा अब तो सोना पड़ेगा कुछ भी करके, तो नीचे ही पड़ा मैं। वैसे और भी लोग सो रहे थे नीचे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। जिन लोगों को मेरी तरह फ्लैट ऐसे मतलब कि सीधे सीधे बैठे, नींद नहीं आती वो। बट ठीक है, मस्त है काम, मज़ा आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अभी चलते हैं घर की तरफ, करते हैं रवानगी। लेट्स सी कितनी देर में क्या होगा। अभी टाइम की बात करो तो बज गए हैं ऑलमोस्ट 6 o'clock हो गए। तो पैकअप करते हैं यहाँ से और फिर निकलते हैं। सब कुछ अचार लग रहा था पूरी रात, तो सब सेटल्ड है ना। वैसे अभी कैमरा लगा देता हूँ थोड़ी देर चार्ज, फिर आगे की भी तो फुटेज शूट करनी है ना। तो चलिए संतरा वंतरा खा के सुबह ब्रेकफास्ट हो गया, बढ़िया मस्त है ना। देखा ना अभी आप? अरे भैया टेबल पे ऐसे ही लगा के रख रखे हैं, बस कुछ खाने वाने को दे नहीं रहे हैं, बकवास कर रहे हैं। और शायद ये हमारा ही प्लेन खड़ा होगा, ये दिख रही चोट जिसकी यहाँ पे। और एक बात और, क्या बात बतानी थी? हाँ, कुछ लोग बोलते नहीं एयरटेल की सिम लाएँ, किसकी लाएँ, तो भाई एयरटेल की सिम यहाँ हांगकॉन्ग में भी नेटवर्क पकड़ रही, बताओ, विश्वास नहीं होता। अभी मैंने डाली है सिम चेंज किए, ये देखो ऊपर देखो राइट कॉर्नर में CSL, ओके। और नेटवर्क भी देख लो, एक डंडी कम है बाकी फुल आ रहा है, समझ पा रहे हो एयरटेल की पावर? तो चलो बढ़िया, तो एयरटेल ही जिंदाबाद ब्रो। ये वाली जो दुकान है ना, ये यहाँ पे आई थिंक जूस शॉप है, बहुत बड़ी कोई, मतलब बहुत फेमस। तो लोग बार बार यहाँ पे आ रहे, पूछ रहे कितने बजे ओपन होगा, कितने बजे ओपन होगा। और आई थिंक ये लोग ब्रेकफास्ट वगैरह भी देते हैं साथ में, तो लोग सोच रहे होंगे सुबह सुबह ब्रेकफास्ट यहीं से करके निकल लें। लेकिन ये बोल रहे हैं 8 बजे ओपन होगा, तो 8 बजे तो हम लोग फ्लाइट बोर्ड कर लेंगे भैया, फिर कभी क्या ही मतलब ओपन हो गया, मत करो ओपन, बंद कर दो। नहीं नहीं मजाक कर रहा था मैं तो। अभी देखो टाइम हो गया है ऑलमोस्ट 7 to 4, 7:30 बजे, 8:10 की है टेक ऑफ। भैया घुस गए हैं, अभी प्लेन में जाते हैं, बैठते हैं। ये खड़ा है अपना जहाज, जहाज उड़ेगा यहाँ से और सीधा जाएगा इंडिया। इसमें कुछ लग रहा है अच्छा देख के इस फ्लाइट में, क्योंकि इसमें शायद कम्बल टावल दिए हैं थोड़े से। जिंदगी में पहली बार खुशी हो रही है, बाकी पिछली फ्लाइट तो ऐसी रद्दी दी थी बिल्कुल ही, कैसे पूछो ही नहीं, शीशा गंदा है। बट इसका फ्लाइट में मेरे ये सब काम किए नहीं थे, तो सोच रहा हूँ अब की बार राम का नाम लिख के अब की बार काम करे एटलीस्ट, क्योंकि ये सफ़र लंबा है। पिछला वाला तो फिर भी थोड़ा ठीक ठाक ही था, तो इसलिए करते हैं चेक। हिंदी में अनाउंसमेंट हुआ है अब की बार, समझ रहे मेरी बात? और अब की बार लकीली अपने दोनों चल रहे हैं, तो मज़ा आएगा, गाने चला लेते हैं कुछ बढ़िया से। यहाँ से सोना भी है थोड़ी देर, क्योंकि नहीं तो फिर दिल्ली से घर जाते जाते हालत हो जाएगी ख़राब। तो इस चक्कर में
थोड़ी देर करते हैं, खाना वाना आ जाएगा, खाना वाना खा के फिर सोएंगे मस्त फट कर के, ठीक है। और अभी टाइम हो गया 7:50, तो 7:50 हो गए हैं अभी, और आई थिंक 20 मिनट में चल जाएगा यहाँ से, ठीक है। 6.5 घंटे का सफ़र है ये, तो देखते हैं क्या होता है। टाइम हो गया 8:49, ठीक है, और अभी चल रही है, 1 घंटा हो गया बैठे बैठे इसमें, और 1 घंटे से बस बैठे हुए जानबूझ के डिले करा रहे हैं, बोल रहे हैं कि वैसे भी थोड़ा ही टाइम लगने वाला पहुंचने में, तो इतनी दिक्कत नहीं आएगी, तो इस चक्कर में आराम से पहुंचा देंगे। मैंने कहा ठीक है बढ़िया, अब चलाएं थोड़ा हिलाएं। पहले वाली फ्लाइट में हो गया था थोड़ा सा धोखा, क्योंकि शायद वो 2-2.5 घंटे की फ़्लाइट थी ना, इसलिए उसमें कुछ ज़्यादा कुछ नहीं दिया गया, और ज़्यादा वेरिएशन भी नहीं, क्योंकि हांगकॉन्ग में लैंड करने वाले थे तो इंडियंस के लिए ज़्यादा कुछ फूड वूड की अवेलेबिलिटी थी नहीं वहाँ पे। यहाँ पे अभी है, मतलब देख सकते आप क्या दिया है, मैंने वेज मांगा तो वेज ही दे दिया उन्होंने, वाटर बॉटल, इसमें कुछ है क्या है, योगर्ट, ठीक है, फ्रूट्स, इसमें भी कुछ होगा क्या, कुछ है देखते हैं। ओके, इडली विडली कुछ है, और ये कद्दू दिए हैं, देख रहे हो बटर दिए। चलिए खाना वाना खाते हैं और फिर सोते हैं, नींद बहुत तेज आ रही है, बोल तो रात को भी थोड़ा बहुत सो लिया था लेकिन फिर भी बहुत तेज नींद आ रही है, बट ऐसा पता लगेगा वहाँ पे कितनी तेज है, नहीं
शर्मा रहे थे, एक अमेरिकन था, मैं हमसे आगे वाली सीट पे, वो सो गया तीनों सीटें लंबी करके, फिर मैं भी एक पीछे वाली सीट मेरी खाली थी उस पे जाके सो गया, फिर सब लोग सो गए धीरे धीरे देख के। फिर मैंने कम्बल वम्बल फुल यूज ले रहा हूँ, बिल्कुल पैसे वसूल के जाऊँगा पूरे। बाकी देखते हैं, अभी पहुँचते हैं फिर बात करते हैं आप लोगों से, इंडिया क्या कुछ चल रहा है यार, मतलब कि क्या ही बताएं, जिंदगी में खुशी मिल रही है अंदर से, खुशी समझ रहे वो मिल रही है अंदर वाली। 444 किलोमीटर बचे हैं, 444 किलोमीटर 37 मिनट्स में पार कराएगा, ऐसा कह रहे हैं चीजें पायलट साहब कह रहे हैं। भाई साहब जैसे ही उतरा हूँ ना उधर से, इंडियन अपने दोस्त जो वर्कर है यहाँ पे काम करते खड़े हुए, नीचे तगड़ी वाली फीलिंग आ गई। ये सही कर रखा है ना, ड्यूटी फ्री से ही आना जाना है। ताकि लोग ना देख कर भी देखें जरूर। और मुझे पता नहीं क्यों ड्यूटी फ्री में दारू ही क्यों लगी रहती है भैया, मतलब ड्यूटी फ्री से लोग दारू ही पीते हैं क्या सिर्फ, जहाँ देखो वहाँ दारू लगी रहती है ड्यूटी फ्री में, ऐसा क्या मेरे भाई। बस यहाँ अपना कोई काम नहीं है, इस रास्ते से जाना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ से रास्ता है। और मैं देख रहा हूँ पूरे में दारू सबसे पहले प्रायोरिटी डाल रखी है, फिर उसके बाद कॉस्मेटिक्स परफ्यूम वर्फ्यूम, बट ठीक है। भारत में आपका स्वागत है गाइस, वेलकम टू इंडिया। दोस्तों यार ये चीज ना मुझे बहुत समझ से बाहर है मेरे, क्योंकि अभी देखिए ये जो बैग है ना इसकी एक चेन ही मिसिंग है, समझ रहे, तो कोई भी इसको अनलॉक कर सकता है इजीली विदाउट एनी इश्यू, समझ रहे। तो फिर इसका क्या सेंस रहा, मैंने उनको बोला पिछली बार मैं मेरा बैग लेके आया था तो भी ये डैमेज था यहाँ से पूरा, तो मैंने उसको पूरा चिपकाया था, यहाँ से भी डैमेज था। देन व्हाट्स द सेंस ऑफ दिस लॉकिंग एंड द सेफ्टी, देन व्हाई वी आर पेइंग दैट मच टू द एयरलाइंस। मैंने बोला तो बोल रहे कि सर दिस इज द माइनर डैमेज, सो माइनर माइनर करके तो आप पूरा बैग कर दो ख़त्म, क्या ही सेंस है फिर। बट कोई नहीं, फाइनली अपना बैगेज वगैरह आ गया है, अभी अपन चलते हैं यहाँ से वापस घर, वापस घर मतलब 3 साल बाद अपने घर। तो लेट्स सी कैसी रहती है जर्नी यहाँ से, ओके। और बहुत देर वेट करने के बाद मिला है सामान वामान, वो तो दिल्ली का नेचर है, दिल्ली जो एयरपोर्ट पे जब भी आते हैं तो वेट करना ही होता है, सामान वामान के लिए टाइम लगता है थोड़ा, बट ठीक है वो सब सहन कर लेंगे। लेकिन ये सब ना ये तोड़ा फोड़ी ये सहन करना मुश्किल है थोड़ा, है ना। तो बस अभी निकलते हैं यहाँ से, चलिए बाय, सी यू गाइस लेटर।